हेलो फ्रेंड्स, नेशनल पीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसन्नजीत। अगर 1000 ईयर्स तक अगर आपको कुछ डेटा स्टोरेज करना है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन आपका एक ही है, वो एम डिक्स। उसी एम डिक्स को राइट करने के लिए आसूस का USB 3.1 स्लिम एक्सटर्नल ब्लू रे राइटर अवेलेबल है। चलिए इस ब्लू रे राइटर का अभी हम लोग रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करते हैं। Asus USB 3.1 एक्सटर्नल ब्लूरे राइटर। चलिए इस बॉक्स का जो चारों तरफ जो भी डिस्क्रिप्शन है वो पहले एक बार हम लोग चेक करते हैं। फ्रंट साइड में देखिए, पहले यहाँ पे मैक और विंडोज 10, इसका मतलब ये मैक और विंडोज दोनों के साथ कंपेटेबल है। बाकी इसके नीचे पोर्शन में देखिए, ये आपका USB-C और नॉर्मल जो आपका USB Type-A है दोनों कंपेटेबल है। इसका मतलब आपका जो भी डिवाइस है, अभी नॉर्मल जो कैबिनेट आ रहा है उसका फ्रंट पैनल में आपको USB-C भी आ रहा है और USB 2.0 नॉर्मल जो पैर था वो भी आ रहा है, तो ये दोनों के साथ ये कंपेटेबल है। तो और इसका देखिए जो USB 3.1 है तो USB 3.1 का ये आपका हेल्प ऐसा ही होगा, तो इसका आपको फुल बैंडविड्थ मिलेगा रीड और राइट स्पीड में। और बैक साइड में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मेंशन है। यहाँ पे देखिए USB पावर्ड, तो इस एक बहुत बड़ा फैसिलिटी है। नॉर्मली क्या होता है, आपको एक्सटर्नल जो ब्लूरे प्लेयर जो मार्केट में मिलता है उनमें आपको एक्सटर्नल पावर एडाप्टर देना पड़ता है इसको रन करने के लिए, लेकिन ये जो DVD राइटर है आपका, इसमें आपका USB 3 जो है USB 3 से पावर से ये रन हो जाएगा। बाकी इसका नीचे देखिए, ये MDX सपोर्टेड है, जो पहले मैं बता चुका हूँ आपको, जो 1000 ईयर्स तक अगर आपको डेटा बैकअप करना है तो उसके लिए ओनली सोल्यूशन है आपका MDX। तो ये MDX के साथ ये जो राइटर है ये आपका फुल्ली कंफर्टेबल है। बाकी इसका नीचे देखिए, डिस्क इंक्रिप्शन 2 वर्सन है। नॉर्मली सभी राइटर में आपको डिस्क इंक्रिप्शन 1 मिलता है, लेकिन इसके साथ आपका डिस्क इंक्रिप्शन 2 आ रहा है, तो इसमें आपका जो डेटा है बहुत हाईली सिक्योर्ड रहेगा। बाकी इसका देखिए डुओ केबल है, इसका जो USB-C और नॉर्मल जो टाइप ए है दोनों USB केबल इसके साथ आ रहा है। बाकी इसका देखिए नेरो बैक इट अप और एंड्रॉइड वर्जन के लिए 2-2 सॉफ्टवेयर इसके साथ आया है। चलिए इस बॉक्स का भी हम लोग ओपन करते हैं और इसका जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी केबल है और इसका एक्चुअल दिखने में कैसा है सब कुछ एक बार चेक करते हैं। Asus USB 3.1 राइटर का भी हम लोग ओपन करते हैं, क्या एक्सेसरीज है एक बार चेक कर लेते हैं। एक आपका ड्राइवर प्लस आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसका एक DVD आया है इसके साथ, एक मैनुअल है मल्टी लैंग्वेज का, इसको ग्रो थ्रू करने पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कैसे आपको राइट करना है। ये नॉर्मल है लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप इसे एक बार ग्रो थ्रू कर ले सकते हैं। जैसे मैंने बता रहा था, इसमें देखिए 2 टाइप का केबल आया है, एक आपका USB-C और आपका एक नॉर्मल जो USB 3.1 है उस सेम केबल है। वाह, क्या लुक्स, बिल्कुल स्लिम डिजाइन है। बिल्कुल डायमंड का डिजाइन है। यहाँ पे देखिए आसूस का बेहतरीन एक सिल्वर कलर का लोगो है और देखिए सिर्फ एक ही पोर्ट है आपका USB 3.1 है, इसमें आपका डेटा और पावर दोनों सेम एक ही पोर्ट से आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एक ये जो बटन है ये क्लिक करने से आपका ट्रे बाहर आ जाएगा। अगर ये कोई नॉर्मली अगर ये जैम हो जाता है तो उसके लिए आपका एक हार्ड बटन है, आपको ये जो कोई भी आपका पिन से आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ट्रे आ जाता है। ये नॉर्मली सभी DVD राइटर में होता है तो इसमें भी दिया गया है। चलिए इस राइटर को अभी हम लोग ऑन करते हैं और इसके साथ जो सॉफ्टवेयर आया है और इसका जो USB 3.1 जो है ये कनेक्टिविटी है ये सब कुछ एक बार चेक करते हैं। Asus एक्सटर्नल ब्लूरे DVD राइटर, चलिए इसको अभी सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके साथ 2 टाइप का USB केबल आता है, एक है USB Type-C और इसके साथ और एक केबल है जो USB Type-A है। चलिए USB Type-A केबल का भी हम लोग ओपन करते हैं। इसके साथ क्या है ना, इसके साथ 2 आपका USB पोर्ट आता है Type-A वाला। इसमें क्या होगा, आपका जो डेटा जो केबल है तो आपका जो USB DVD राइटर है इसमें मिल जाता है, लेकिन एक्सटर्नल ब्लूरे राइटर के लिए जो एक्स्ट्रा पावर का रिक्वायरमेंट है वो पावर आपका नॉर्मली एक USB पोर्ट से नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको 2 USB पोर्ट जो है 2 USB पोर्ट आपको एक साथ यूज़ करना है सिस्टम में, तब जाके आपका एक्सटर्नल DVD पावर पावर अप होगा। लेकिन आपका USB Type-C अगर आप यूज़ करेंगे, USB Type-C का यही एडवांटेज है, इसमें आपका डेटा बैंडविड्थ भी ज़्यादा मिलता है और जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाता है। चलिए इसको अभी हम लोग सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे USB-C वाला, और जो दूसरा जो एंड है इस केबल का वो देखिए आपका एक्सटर्नल ब्लूटूथ प्लेयर में पोर्ट है, इस पोर्ट में हम लगाएंगे।
लगाते ही आप देखिए इसे पावर ऑन हो जाएगा। देखिए एक खूबसूरत से एक ब्लू कलर का एक एलईडी ग्लो हो रहा है सर्कल की तरह, और फ्रंट में एक जो बटन है ये बटन प्रेस करते ही आपका ट्रे ओपन हो जाएगा। अभी इसमें जो इस बॉक्स के साथ आया है जो डीवीडी जो इसके साथ है जो फ्री कुछ सॉफ्टवेयर है उस डीवीडी को हम अभी इंस्टॉल करेंगे। ये लगाने के बाद इसमें देखेंगे जो फ्री सॉफ्टवेयर है नियर अबाउट 3 से 4 फ्री सॉफ्टवेयर आता है। एक है आपका नीरो बेकिटअप आता है, एक पावर टू गो आता है और एक पावर बेकिटअप आता है। ये तीनों सॉफ्टवेयर अभी सिस्टम में हम लोग ऑलरेडी प्री इंस्टॉल करके रखा है। ये सॉफ्टवेयर हम ओपन करके आपको दिखाएंगे इसका क्या फीचर्स है, कैसे आप इसको आप राइट कर सकते हैं और इसका क्या एडवांटेज आप इसमें मिल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे तीन सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है, तो ये तीनों सॉफ्टवेयर पहले से हमारे पास इंस्टॉल्ड है, तो हम आपको एक बार खोल के इसको दिखा देते हैं तो कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका पावर जो बैकअप है, तो इसमें आपको इनक्रिप्ट बैकअप भी हो जाएगा। आपका जो भी फाइल आपको सेव करना है तो उसको सेव करने के टाइम पे आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी करके इसको बैकअप कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर आ रहा है ये आपका नीरो बैकअप आ रहा है, ये आपका नीरो बैकअप, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें भी आपका सारे जो फाइल्स है डेस्कटॉप में या फिर आपका जो मोबाइल डिवाइस है तो आप मोबाइल डिवाइस कनेक्ट कर भी आप इसमें बैकअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है मोबाइल बैकअप, और एक सॉफ्टवेयर है आपका साइबर लिंक पावर टू गो। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप डिस्क बर्न भी कर सकते हैं डेटा डिस्क, इसमें आप फोटो गैलरी देखिए आपको अलग अलग करके ऑप्शन दे रहा है। इसमें आप कॉपी डिस्क कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल आपका प्लेन डीवीडी राइटर में था और नॉर्मल डीवीडी राइटर में हो सकता है, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपका डिस्क यूटिलिटी भी मिल रहा है, तो इस डिस्क यूटिलिटी के साथ आप अगर चाहे तो आपका डिस्क में जो डेटा सेव हो रहा है उसका अगर इंक्रिप्शन डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। बाकी आप ये देखें कि यहाँ पे आपका इरेज डिस्क का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपका रीप ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, और वर्चुअल ड्राइव आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो सारे जो फीचर्स है आपका जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आ रहा है इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको डेटा बैकअप करना है जो बहुत दिन से आपके पास स्टोर रहेगा, आप हार्ड डिस्क छोड़ के आप जो डीवीडी आता है जो ब्लू रे आता है तो ब्लू में आप जरूर सेव कर सकते हैं। तो इस आसूस का जो ये एक्सटर्नल स्लिम ब्लू रे जो राइटर है इसको आप पोर्टेबल भी कर सकते हैं, इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप ड्राइव को अच्छी तरह से यूज़ कीजिए। ASUS USB 3.1 External Blu-ray DVD Writer इस प्लेयर की बेस्ट प्राइस के लिए नीचे दिए लिंक पे विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नया वीडियोस और अपडेट्स के लिए नेशनल पीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए।